नमस्कार दोस्तों, नेकी के मार्ग पर चलता रहा और कारोबार जोड़ता रहा। इस चैनल के प्रणेता, अभिनेता, निर्माता भूपेश सर की मानव सेवा को मैं नमन करता हूं। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित किया हुआ है मानव सेवा के लिए, प्रकृति की सेवा के लिए, पक्षियों की सेवा के लिए। वो प्रतिदिन सुबह उठने से लेकर देर रात तक उनका जो विचार, मनन और चिंतन जो भी चलता है, सिर्फ इसलिए चलता है कि मैं किस तरह इस प्रकृति की सेवा करूं, किस तरह इस मानव जाति की सेवा करूं, किस तरह मैं उन लोगों की सेवा करूं जो अपने इस जीवन से निराश हो चुके हैं, वो अपने इस जीवन का मूल्य समझे। ये एक जीवन ईश्वर का दिया हुआ हमें उपहार है, इस उपहार की कीमत समझे और इस उपहार का आनंद ले। ऐसी सोच के साथ जिनका जीवन व्यतीत हो रहा है, ऐसी महान आत्मा भूपेश सर को मैं एक बार पुनः उनके इस कार्य को नमन करता हूं। और एक छोटी सी पंक्ति के साथ मैं अपने बात को आगे बढ़ाऊंगा। आनंद स्रोत बह रहा फिर क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा फिर क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। दोस्तों, चारों तरफ खुशियां हैं, आनंद है, प्रसन्नता है, उसके बाद भी हम दुखी है। जिस तरह मछली पानी में रहकर, समुद्र में रहकर, नदी में रहकर अगर वो कहती है मैं प्यासी हूँ, तो कितने आश्चर्य की बात है, कितने दुख की बात है, कितनी निराशा की बात है कि पानी में रहकर और मछली कहती है कि मैं प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाओ। ऐसे ही प्यासे लोग इस संसार में हैं, उनके जीवन में खुशियां हैं, पूरा परिवार है, पैसा है, दौलत है, सारी खुशियां उनके जीवन के आसपास है, फिर भी वो निराश है। क्यों निराश है? क्योंकि वो नेगेटिव जीवन जी रहे हैं, नकारात्मक सोच के साथ जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव है ही नहीं। पॉजिटिव घटता है तो भी वो सोचे नेगेटिव लेते हैं, वो हर सुख में दुख देखते हैं, हर सफलता में असफलता को देखते हैं, वो अपने सफल जीवन का आनंद ना लेकर अपने से ऊपर जो लोग हैं उनकी सफलता को देखकर दुखी होते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं उससे ऊपर बढ़ जाऊं, मैं उससे ऊपर बढ़ जाऊं, और वो कभी ऊपर ऊपर पहुंचने के बाद भी ऊपर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हर ऊपर के बाद आपको एक ऊपर मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में हर बेटे का एक बाप मिलेगा, हर बाप का एक बेटा है, लेकिन बेटे से ऊपर हर जगह आपको बाप मिलेगा। और आपको जीवन में खुश रहना है तो आपको बेटा बनकर रहना पड़ेगा, आप जहां पर हो उस स्थिति में खुश रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप ऊपर बढ़ने की इच्छा छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता कि आप अम्बानी बनने की इच्छा छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कहता कि आप भगवान बनने की इच्छा छोड़ दो। ये आप इच्छा बिल्कुल आप बनाएं और इच्छा को पूरी शक्ति दें, और आप ऐसा सोचेंगे और प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अम्बानी तो बहुत छोटी बात है, आप भगवान भी बन जाएंगे। लेकिन मित्रों, आप किसी की लाइन को छोटा करके अंबानी नहीं बन सकते, किसी की टांग खींचकर आप भगवान नहीं बन सकते। अगर आपको अंबानी बनना है तो उसके बराबर में एक बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, तब आप अंबानी से ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर आपको भगवान बनना है तो किसी की टांग को छोड़कर भूपेश सर की तरह लोगों के हाथ पकड़कर उसकी मदद करनी पड़ेगी। जो लोग दुख में जी रहे हैं उनको सुख का अनुभव कराना पड़ेगा, उनको उनकी शक्ति का एहसास कराना पड़ेगा, उनको एहसास कराना पड़ेगा कि तुम भी हमारी तरह सर्वशक्तिमान हो, तुम भी सब कुछ बन सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वही ऊर्जा है जो हमारे अंदर ऊर्जा है। तो मित्रों, जो भूपेश सर ने कार्य उठाया है इस मानव सेवा के लिए, उसमें हम अपना पूरा सहयोग करें, तन से, धन से, मन से। सबसे बड़ी चीज होती है मन से। आप अगर मन से एक रुपए का सहयोग भी करते हैं तो 1,00,000 रुपए की बराबर है, और आपका मन अगर उस सहयोग में समाहित नहीं है तो वो रुपया आपका निष्फल है, वो किसी के भी काम नहीं आएगा। कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वो रुपया वहां पहुंच नहीं पाएगा, पहुंचेगा तो वो फिर वो व्यवस्थित रूप से नहीं लग पाएगा। तो जो भी कार्य आप करते हैं तो सबसे पहले आप मन से करें, क्योंकि संसार में आपकी बाहर की क्रियाएं देखी जाती है, लेकिन ईश्वर की है यहाँ पर जो गिनती होती है वो आपकी हृदय की भावनाओं की होती है। जो भी कार्य आप भावना से करें, सब कुछ आप छोड़कर आप जो भी मदद कर रहे हैं उसके अलावा एक सहयोग आप अपना अवश्य करें, इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। जब ये संख्या अपनी अच्छे लोगों की संख्या बढ़ती जाएंगी तो ऑटोमेटिक बुराइयां खत्म होती जाएगी। दोस्तों, बुराइयां इसलिए नहीं बढ़ रही है संसार में कि बुरे लोग पैदा हो चुके हैं, बुरे लोग बुरा कार्य कर रहे हैं। बुराइयां इसलिए बढ़ रही है कि आज अच्छे लोग चुपचाप बैठे हैं, उनके सामने बुरी घटनाएं घटती है तो चुपचाप देखकर निकल जाते हैं और विरोध नहीं करते। आज जिस तरह के कुकृत्य हो रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम विरोध नहीं करते, हम अच्छाई का सिर्फ अपने ही जीवन के लिए उपयोग करते हैं, अच्छाई का प्रयोग बुराई का विरोध करने में नहीं करते। जिस दिन हम अपनी अच्छाई का प्रयोग बुराई का विरोध करने में लग जाएंगे तो संसार से ऑटोमेटिक गंदगी कम हो जाएगी।
तो इस शक्ति को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग करें, इस चैनल की संख्या को बढ़ाने में अपना जो भी आप सहयोग कर सकते हैं करिए। दोस्तों आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, मेरी बात अच्छी लगी और आपको लगता है कि हम इस चैनल की संख्या को बढ़ाकर एक नेक काम कर रहे हैं, तो आज से ही आप प्रयास करें प्रतिदिन एक दो मेंबरों को इस चैनल से जोड़कर भूपेश सर की शक्ति को बढ़ाएं और उनके इस नेक कार्य के लिए अपना ये समर्पण, छोटा सा समर्पण उनको समर्पित करें। धन्यवाद। आपको मेरी बात अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें आप भूपेश सर के लिए।